आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले हैं ऑन डिमांड एग्जाम को लेके एनएस की एक नोटिफिकेशन आई है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इनके एग्जाम कब से हैं और सारी बातें आपको इससे रिलेटेड, ऑन डिमांड एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। ये हमारे पास नोटिफिकेशन है एनएस का, ये 22 फरवरी को आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता। अगर आप भी जो है ऑनलाइन क्लास जो है लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको लेना ज़रूरी है, आपका भी एग्ज़ाम अगर जून 2021 में है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें से कोई अगर ऐसा भी कोई है जिसका एग्ज़ाम 2021 में जून में है, तो और आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएँ, या फिर आप ऑन डिमांड में ही हैं और आप चाहते हैं अपनी तैयारी करना, तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाइए। क्योंकि इसमें क्या है कि हम ना एक जैसे ट्यूशन होता है उसी तरीके से 10 बच्चे का एक ग्रुप तैयार करते हैं और उसको हम 3-way तरीके से पढ़ाते हैं। क्लास होगी आपकी, प्लस हम आपको वीडियो सपोर्ट देते हैं, उसके बाद ऑनलाइन सपोर्ट जो आपको मिलता ही रहता है। तो ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो में बने रहे। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हर किसी तक इस जानकारी को जरूर शेयर करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखो। मैंने देखा है कि आप लोग जो है इसको लिखते नहीं हैं, क्यों नहीं लिखते है? शर्म आती है, किस बात की शर्म आती है, ज़रा वो बता देना कमेंट में लिख के। ठीक, आपको लिखना चाहिए, अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं और इस नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये नोटिफिकेशन है, ये क्या है पढ़ लेते हैं। चलो, द एनओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन 2021 फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स विल बी कंडक्टेड एट एनओएस हेड क्वार्टर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं वालों का जो है जो एग्ज़ाम है ये हेडक्वार्टर पे होगा, एनएस के हेडक्वार्टर पे होगा, एनएस रीजनल सेंटर पे होगा, जो इनके रीजनल सेंटर है वहाँ पे होगा, एंड केंद्रीय विद्यालय। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, समझो, यहाँ पे तीन तरह की बातें बताई गई है कि जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के जितने भी कैंडिडेट है, आपका एग्ज़ाम या तो एनएस के हेडक्वार्टर पे होगा, या फिर एनएस का जो रीजनल सेंटर है आपके एरिए का वहाँ होगा, या फिर जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ होगा। कब से होगा? तो देखो, कब से होगा वाली बात है, तो यहाँ पे डेट आ गई है, वो है 15 मार्च। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि 15 मार्च 2021 से स्टार्ट होगा, ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। द ओडी रजिस्ट्रेशन एंड फी सबमिशन फॉर द सेम विल बी अवेलेबल ऑन एनएस वेब पोर्टल। यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए जो आपको फीस जो है यहाँ पे सबमिट करनी है, ये सब आपको इस इनके वेब पोर्टल यानी इनकी वेबसाइट पे इनका लिंक एक्टिव होगा। तो ये कब से होगा? ये होगा 1 मार्च 2021 से। और इनकी साइट क्या है? इनकी साइट ये रही, आप इस साइट को देख सकते हैं, और दूसरी साइट जो है ये है। तो इन दोनों पे आप जाके जो है आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे जो है कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, हम आपका जो है ये फॉर्म फिलअप कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारी सर्विस चार्ज होती है, तभी आप कॉल करें। क्योंकि देखो यहाँ पे बात आ जाती है कि आप कॉल कर लोगे और बाद में आपको फिर कोई कहता है कि हमारी तो सर्विस चार्ज है, तो इससे अच्छा पहले ही बोल दें, वो क्लियर रहता है। साफ कहना और सुखी रहना, ये मेरा जो है तरीका है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन को आगे पढ़ लेते हैं। द शेड्यूल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑन डिमांड एग्जामिनेशन आर एच अंडर, किस तरीके से, चलिए देखते हैं। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग स्ट्रीम 3 और 4 फॉर ODE ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कब से होगा? ये 1 मार्च 2021 से होगा। ये चीज़ें आप जो है समझ गए। अब इसके आगे चलते हैं, दूसरी बात बताई गई है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात चल रही है, यहाँ चल रही है रजिस्ट्रेशन की। तो अब यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात है, तो ज़रा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है ये कब से होगा एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन आपका जो होगा वो 15 मार्च से आगे से होगा। रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से होगा और एग्जामिनेशन जो है 15 मार्च के आगे से होगा। चलिए देख लेते हैं, आगे समझते हैं। तो पहले पॉइंट में ये बोला हुआ है कि एट एनओएस हेडक्वार्टर 4 डेज इन अ वीक ट्यूजडे टू फ्राइडे। अगर ये होता है तो जो एनएस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे ट्यूजडे से फ्राइडे तक होगा। इसके बाद चलते हैं, तो एट एनएस रीजनल सेंटर 3 डेज इन अ वीक ट्यूजडे टू थर्सडे, रीजनल सेंटर पर यह होगा। और केंद्रीय विद्यालय में जो है ये 2 डेज इन अ वीक वेडनेसडे एंड थर्सडे होगा। तो देखो इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ सिंपल सी बात है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको एग्ज़ाम देने कहाँ जाना है। यहाँ पे इतनी जो बातें हैं इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनका है वो हेडक्वार्टर पे एग्ज़ाम होगा NIOSH के नोएडा में, दूसरा जो है जो रीजनल सेंटर होते हैं वहाँ होगा, तीसरा जो है जो केंद्रीय विद्यालय होती है वहाँ होगी। तो बात आ जाती है कि आपके लिए क्या नज़दीक है आप वो देखो, आपके लिए जो नज़दीक है आप वो देखो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसमें एग्ज़ाम सेंटर जो है फिल कर लो उसको, समझ गए इतना। तो इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, और आपके जिस दिन आपको सीट मिल जाती है तो उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, आपका खुद आपका हॉल टिकट है उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे, तो ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, बात समझ गए। चलिए जरा हम इसको और देख लेते हैं और क्या है इसमें। आगे बढ़ने के बाद जो हम देखते हैं, द रीजनल डायरेक्टर आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड नोटिफिकेशन ऑन दी रीजनल सेंटर वेबसाइट, ऑल्सो इशू प्रेस रिलीज इन लोकल डेलीज फॉर द डिटेल्स अबाउट ODE फीस, प्लीज़ विजिट NIOSH वेबसाइट। यहाँ पे ये बताया गया है, जो रीजनल डायरेक्टर्स है उनको ये बताया गया है कि आप जो है इस जानकारी को अपलोड कीजिए ताकि जो है सभी लोगों को पता चल सके, और जो लोकल कुछ न्यूज है जो न्यूज़पेपर होते हैं उस अखबारों में भी इन बातों को डाल दे ताकि सभी बच्चों को इसकी जानकारी मिल जाए। तो ये था वीडियो जो आपको जानकारी पता चल गई, तो इसमें आप जान गए कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से है और आपके जो है एग्ज़ाम कब से है, सारी बातें आपको डिटेल में जो है मैंने समझा दिया है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप इसको शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, शेयर करो अच्छा लगता है, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल एक ट्यूशन सेंटर की तरीके से पढ़ना है जिसमें मिनिमम स्टूडेंट्स हो, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट, चाहे आप 10th के हो 12th के हो, अपने सब्जेक्ट हमें मेंशन कर दो, आप अपना क्लास और सब्जेक्ट मेंशन कर दो, ताकि जो है हम जो है आपके लिए जो बाकी इंक्वायरी आएगी तो उनके साथ मिलकर आपका एक ग्रुप क्रिएट कर दे, आपके एक बैच तैयार कर दे, ताकि जो है आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपने इतना टाइम दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देश के किसी भी कोने से NIOSH में 10th और 12th में दाखिला लेने तथा उसकी तैयारी करने के लिए आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपकी तैयारी ऑनलाइन थ्रू कराएंगे और किसी भी प्रकार की तैयारी में कमी नहीं होगी। इसके आगे बात करते हैं, अगर आप इग्नू, SOLDU, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह की दिल्ली में जितनी भी सरकारी ऑफिस है, आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी परेशानी को लेके मैं आपके बदले में जाऊं, क्योंकि अभी इस टाइम दिल्ली में आप हैं नहीं, आप दूसरे स्टेट में हैं और आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और आज ही आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से जुड़ जाइए, ताकि आपकी परेशानियों को लेके हम आगे बढ़ सके। अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आगे मैं आपको बता दूँ, अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की इंग्लिश कहीं भी नहीं सीख पाए, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आप हमारे CVS प्रोग्राम के थ्रू जुड़िए, क्योंकि अंग्रेजी सीखना बच्चों का खेल है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा ट्रिक बनाया है जिससे मदद से हर कोई इंग्लिश सीख सकता है अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है। चलिए अधिक जानकारी के लिए, आप डेमो लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।